आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपका प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। बावनवास थानाधिकारी ब्रजेश मीणा का विदाई समारोह मनाया। बावनवास 15 जनवरी रविवार को बावनवास थानाधिकारी का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बावनवास थानाधिकारी ब्रजेश मीणा का स्टाफ साथियों के साथ ग्रामवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं व भामाशाओं ने माला व साफा पहनाकर विदाई दी गई। साथ ही उप पुलिस अधीक्षक तेज कुमार पाठक ने कहा कि थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने क्षेत्र को हमेशा शांति बनाए रखने में उनका अहम योगदान रहा है। थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने कहा कि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र में काम किया और क्षेत्रवासियों के विश्वास पुलिस के प्रति इस प्रकार बना रहे ताकि अपराधी भंडार और आम लोगों में सुरक्षित रहे। वही निर्वाचित IFWJ के पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बत्तीलाल गुर्जर ने माला व साफा पहनाकर विदाई दी गई तथा कहा कि थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने हमेशा क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लगाने में अपनी भूमिका निभाई है। देखिए, ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है और कर्मचारी का ट्रांसफर होता रहता है। बाकी मैं अभी जो 2.25 साल यहाँ बावनवास की जनता के बीच में मैंने गुजारे हैं, मुझे बहुत अच्छा सुकून मिला और मैंने जो सोचा मन में जनता के लिए देने जितना मैंने देना का सोचा था उससे अधिक मैंने देने की कोशिश की। फिर भी कुछ कोई मामले रह सकते हैं, उसके लिए मैं पूरी यहाँ की जनता से माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता फले फूले, यही मेरी कामना है। आज मैं बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो ब्रजेश जी बावनवास थाना अधिकारी आज जा रहे हैं, हम पत्रकारों का इन्होंने पूरा ध्यान रखा है और जब से यहाँ पर आए हैं बावनवास में तो अपराध की दुनिया में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यहाँ लोगों को बहुत ठीक ढंग से समझाया गया है।